अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आए मेरे साथ पिछले कुछ दिनों की रूटीन को इंजॉय करें। जी तो रूम में अपने मोबाइल किचन में चाय को रख के हम इंजॉय कर रहे थे इस मिनी पोर्टेबल प्रोजेक्टर को। स्कूल के लिए की प्रोजेक्टर लाया तो एक दफा टेस्ट करने के लिए घर में ऑन किया। कह रहा था दरवाजे पर व्हाइट चादर कोई भी डाल दें ताकि पता चले सही वर्किंग पोजीशन में है या नहीं। तो व्हाइट चादर प्लेन तो कोई भी अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी छत पे नजर गई तो मैंने कहा भी छत प्लेन भी है और व्हाइट भी है। छत पे प्रोजेक्टर सेट हो गया तो उस पर लगाया कीव ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और देखते हुए मैं सोच रही थी कि कुछ ख्वाहिशात अल्लाह पाक एज इट इज पूरी कर देते हैं। हम छोटे छोटे होते थे तो पीटीवी पर लगा करता था लॉलीवुड टॉप 10। हम तीनों बहनों को बहुत पसंद था तो हमारे घर में ईशा के बाद खाना वाना खा के जल्दी सो जाने का रिवाज था, क्योंकि फजर में जल्दी उठना होता था। तो जब अम्मी अबू सो जाते थे तो हम बहनें उसके लिए जागते रहते थे और उसे ऑन करके देखने के लिए बहुत डांट खाई अबू जी से कि क्यों दोबारा टीवी ऑन किया है, सो क्यों नहीं रहे हैं। तो जब सोने के लिए लेटते थे तो ब्लैंकेट के अंदर लेट के सोचा करती थी कि छोटा सा एक टीवी होना चाहिए जो ब्लैंकेट के अंदर रखा हो, और उसके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम भी बाहर ना जाए। तो देखें जी, टेक्नोलॉजी ने इतने सालों में इतनी तरक्की कर ली कि वो सब कुछ जो एक ख्वाब हुआ करता था वो हकीकत बन के हमारे हाथों में मौजूद है, बल्कि टेक्नोलॉजी इससे बहुत आगे जा चुकी है। उसने जो सबसे ज़्यादा डांट खाई है वो डाइजेस्ट और नॉवल रीडिंग पे खाई है। रीडिंग का शौक मुझे इतना हुआ करता था कि जब नई बुक्स आती थी तो मेरी सिस्टर की बुक्स जो हैं वो मुझसे एक क्लास पहले की हुआ करती थी, तो मैं उसी में उसकी उर्दू की, इस्लामियात की सारी बुक्स पढ़ लिया करती थी और अपने टाइम पर फिर आगे उसके स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ा करती थी। फिक्शन नॉवल्स और इमरान सीरीज़ मुझे बहुत पसंद थे। जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, हालिम और इमरान सीरीज़ मोबाइल आ जाने के बाद मैंने मोबाइल पे भी बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद था। मैं अपने स्टूडेंट से कहा करती थी भाई कोई नया नॉवल आया है तो उसका पीडीएफ मुझे शेयर कर दें। तो अब चैनल की वजह से मसरूफियत चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब रीडिंग वाला काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। और जी, मेरे यूट्यूबर साथियों में से अगर काफ़ी टाइम के लिए मुझे कोई किसी की वीडियो नज़र ना आए तो मैं उसका चैनल सर्च ज़रूर करती हूँ। तो देखें, सुल्ताना का किचन चैनल पर मेरी बहुत प्यारी सिस्टर होती हैं, इनका चैनल सर्च करते हुए मुझे क्या मिला? ये थे हमारे बहुत ही प्यार से यूट्यूबर जे फैमिली व्लॉग। इन्होंने एक अपने व्लॉग में कहा था कि हम जितने भी यूट्यूबर हैं हम सबको एक दूसरे का साथ ईमानदारी से देना चाहिए। बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। जिंदगी में कामयाबी का पहला असूल है वो है ईमानदारी। जी थैंक यू सो मच सुल्ताना सिस, और बहुत प्यारा इनका चैनल है मिक्स व्लॉगिंग का, देखिएगा आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। और जी, मैंने प्रॉमिस किया था अपनी जी सिस से कि जब कभी भी मैं अगर शॉर्ट आउट दूंगी तो सबसे पहले आपका दूंगी, तो आज सुल्ताना सिस की बारी आ गई तो फिर जी सिस को मैं कैसे भूल सकती थी। जी तो जी लाइफ स्टाइल में आपको व्लॉगिंग के साथ साथ बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी और बहुत हेल्पफुल रेमेडीज मिलेंगी। बहुत ही यूजफुल चैनल है इनका, ज़रूर विजिट कीजिएगा आप सब। जी सिस, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। और फिर जी, उम्मे फैजान सिस हैं, बेल्जियम से व्लॉगिंग करती हैं, बहुत मज़े के इनके व्लॉग्स होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, होपफुली आपको भी पसंद आएंगे, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जी तो शाउट आउट का सिलसिला शुरू करने का या कंटिन्यू करने का मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। उम्मे फैजान सिस और सुल्ताना सिस ने बहुत अच्छे अल्फाज में मेरे चैनल का जिक्र किया अपने अपने चैनल्स पर, तो ये मेरा थैंक्स कहने का एक अंदाज़ है। जी तो लास्ट में इंजॉय करें मेरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। ये मुझे बजरिया कोरियर सरप्राइज गिफ्ट मिला मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड की तरफ से। तो जब कोरियर वाले ने कॉल करके कहा कि जी आपका पार्सल है, तो मैंने कहा भी मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तो उसने नाम और एड्रेस बताया, तो मैंने कहा जी ये तो मेरा ही है, तो उसने कहा जी रिसीव कर लें। तो उतनी देर में मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई, तो उसने कहा जी आपके लिए बहुत टाइम से परचेज करके रखे हुए थे, जब से आपको फिगर से मेकअप करते हुए देखा था, लेकिन ये कि देने आने का टाइम नहीं था लिहाजा इसे कोरियर कर दिया है। तो बहुत प्यारे, बहुत सॉफ्ट ब्रशेज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत सारी दुआएँ और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।